बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। मैं आगे अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल खोलने लगा हूँ जो कि पॉलिटिकल वीडियो से रिलेटेड होगा। मैं आगे चार अंदाज में बात करूँगा जो कि चार मेरे डिफरेंट स्पीकिंग स्टाइल होंगे। आपने उस स्टाइल्स को जो है वो सुनना है गौर से, और चार स्टाइल को देखने के बाद आपने कमेंट्स पे जो है वो फैसला सुनाना है कि कौन सा स्टाइल जो है वो सबसे अच्छा लगा आपको, या अगर चारों अच्छे नहीं लगे तो ये बताना है कि इसमें ये इंप्रूवमेंट हो जाए, चारों अच्छे नहीं इसको मज़ीद बेहतर बना कि ये वाला स्टाइल अच्छा है। तो मैं आप लोगों के रिप्लाई का मुंतजर हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अभी हालिया भारतीय टीवी चैनल यूनिस पर यह खबर आई है कि भारत ने पाकिस्तान के पकड़ लिए हैं दो दहशतगर्द जो कि बहुत बड़ा हमला करने और भारत में तबाही मचाने आए थे, और जी न्यूज़ का ये दावा है कि इन लोगों ने ये कबूल किया है कि हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे थे। और जी न्यूज़ के मुताबिक इन लोगों का कहना है कि हमारे पीछे लश्कर तैबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, और हमारे एक बहुत बड़े भयानक हमले का मिशन दिया गया था जिससे पूरे जम्मू और कश्मीर में तबाही फैल जाती और जम्मू और कश्मीर लहू लहू हो जाता। अब ये असल में कौन है, भारत के अपने ही बंदे या फिर कश्मीर के मासूम शहरी जिन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर करके ये जबरदस्ती कबूल करवाया जा रहा है कि ये तो खुदा ही जाने। मगर अपार दुश्मन भारत की नेवी इस बात का बहाना बनाकर पाकिस्तान की साहिली सरहदों पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। जो लोग अब कराची वालों को हो जाना चाहिए तैयार, अब उनका होगा भारतीय नेवी के साथ एक खतरनाक मुकाबला। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में खुश आमदीन। नाजरीन, अभी हालिया भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज़ पर ये खबर चल रही है कि भारत ने पाकिस्तान के दो दहशतगर्द पकड़ लिए हैं जो कि बहुत बड़ा हमला करने और भारत में तबाही मचाने आए थे, और जी न्यूज़ का ये दावा है कि इन लोगों ने ये कबूल किया है कि ये लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे थे। और जी न्यूज़ के मुताबिक इन लोगों का ये कहना है कि हमारे पीछे लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, और बड़े भयानक हमले का मिशन दिया गया था जिससे पूरे जम्मू और कश्मीर में तबाही फैल जाती और पूरा और जम्मू और कश्मीर लहू लहू हो जाता। अब असल में ये लोग कौन हैं, भारत के अपने ही बंदे हैं या फिर कश्मीर के मासूम शहरी जिन्हें गिरफ्तार करके थर्ड डिग्री टॉर्चर करके ये ज़बरदस्ती कबूल करवाया जा रहा है, ये तो खुदा ही जानता है। मगर अब मक्कार दुश्मन भारत की नेवी इस बात का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है, इस अच्छी वालों को हो जाना चाहिए तैयार क्योंकि अब उनका बराए रास भारतीय नेवी से टाकरा होगा। अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अभी हालिया भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज पर यह खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के पकड़ लिए हैं दो दहशतगर्द जो कि बड़ा हमला करने और भारत में तबाही मचाने आए थे, और जी न्यूज का यह दावा है कि इन लोगों ने यह कबूल किया है कि हम लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे थे। और दी न्यूज़ के मुताबिक इन लोगों का कहना है कि हमारे पीछे लश्कर तैबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, और हमें एक बहुत भयानक हमले का मिशन दिया गया था जिससे पूरे जम्मू और कश्मीर में हर जगह तबाही फैल जाती और पूरा जम्मू और कश्मीर लहू लहू हो जाता। अब ये असल में कौन है, भारत के अपने ही बंदे या फिर मासूम कश्मीरी शहरी जिन्हें पकड़कर भारत थर्ड डिग्री टॉर्चर करके ये सब इनसे ज़बरदस्ती कबूल करवाया है, ये तो खुदा ही जानता है। मगर मक्कार दुश्मन भारत की नेवी इस बात का बहाना बनाकर पाकिस्तान के साहिली सरहदों पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकती है, तो इसलिए अब कराची वालों हो जाओ तैयार क्योंकि अब इनका होने जा रहा है भारत की नेवी से बराए रास्त टाकरा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नई वीडियो में खुशामदीन। नाजरीन, अभी हालिया भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज़ पर यह खबर चल रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के दो दहशतगर्द पकड़े गए जो कि बहुत बड़ा हमला करने और भारत में तबाही मचाने आए थे, और जी न्यूज़ का दावा है कि इन लोगों ने ये कबूल किया है कि हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे थे। और जी न्यूज़ के मुताबिक इन लोगों का कहना है कि हमारे पीछे लश्कर तैबा और IS पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, और हमें एक बहुत बड़े भयानक हमले का मिशन दिया गया था जो कि पूरे जम्मू और कश्मीर में हर जगह तबाही ही तबाही फैलाने का था और पूरा जम्मू और कश्मीर लहू लहू हो जाता। अब ये असल में कौन है, भारत के अपने ही बंदे या फिर कश्मीर के मासूम शहरी जिन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर करके ये ज़बरदस्ती कबूल करवाया जा रहा है, ये तो खुदा ही जानता है। मगर अब मक्कार दुश्मन भारत की नेवी
इस बात का बहाना बनाकर पाकिस्तान की साहिली सरहदों पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकती है। तो इसलिए कराची वालों हो जाओ चाहे यार, क्योंकि अब कराची वालों का होने जा रहा है भारत से बड़ा टाकरा।